हर एक को मेरा प्यार पहुंचे, जहां तक आवाज पहुंच रहा है, बहुत बहुत प्यार। सूरीनाम में 6 लोग, कल सिपाही 6 लोग को गिरफ्तार की है। ये 6 लोग, इनों को उपबार ऑर्गेनाइजर कहते हैं। पारामारिबो में ये लोग गांजा ड्रग्स वगैरह बेचते थे, तो ये लोग का गिरफ्तारी हुआ है। इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस लॉयटोल के कहना है कि रात्रि के समय, शुक अवसर चराते समय, HS गिरफ्तार हुआ है। ये HS बोली स्ट्रात पर 46.4 ग्राम हश और उसके पास भी यानी गांजा मौजूद था। ये कई को गिरफ्तार किया है। फ्लामिंगो और प्रिंसेस स्ट्रात के कोने पर 121 पैकेट एक्सटीसी टैबलेटन के साथ आगे चल करके यानी जो गिरफ्तार हुआ है, HS और ये हेस फ्लाइट में। DS को गिरफ्तार किया गया है ओडे एनजीओ शालवेल के कोने पर। इनके पास जामी गांजा मौजूद था और त्रेमबान जहां है खलादियोल स्ट्रात, वहां यही टी को गिरफ्तार हुई है 26 व्हीकल्स मरवाना गांजा के साथ। और ली सानिया स्ट्रात जहां एक बंदर जाक है, वहां टी सी 6.3 ग्राम जामी वी एम 31.88 ग्राम कोक और 11 पाकी यानी कि गाजा इनके पास जो बसलाख मिली गई है। तो 6 लोग को गिरफ्तार की गई है। सिपाही सबके पास कोई न कोई के पास गाजा, कुछ के पास एक्सीटी टैबलेटन, ये सब गुनाह कर रहे थे। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार की गई है। एक सवारी प्यारे लोग, ये कमिश्नर वेटन वेक के बात है। अब ये शोफेर गाड़ी चला करके कहीं जा रहा है और कहते हैं कि स्टीयर के कंट्रोल हाथ से छूट गया और जाकर के सबसे पहले इलेक्ट्रिसपाल में धक्का लगा, इलेक्ट्रिसपाल कट करके उसी गाड़ी पर गिरा। प्यारे लोग, बहुत से नुकसानी हुआ। समझ जाओ कि ये मोटर गाड़ी तो लॉस हो चुका है। ये गाड़ी उकरे बाद में धक्का लगाने के बाद कंडाल में जा करके घुस गया है। एक मकान में आग लगा, वैद्यम व्यक्त के बात है। वैद्यम व्यक्त के बाद यहाँ पर मकान में आग लगा मौसम, और जो आग लगा है तो लोग ने देखा कि एक आदमी दरवाजा कूद या खोल करके भाग रहा है, लेकिन एक दरवाजा जो बंद था और बंद ही रह गया, उसमें एक आदमी का मृत्यु हो गई है। आग में जल जाने से उनका मृत्यु हो गई है। तो एक का मौत हुआ, एक भाग गया है, और जो भाग के गया है अभी तक वो लापता है। वो डर के कारण से भागा है, उनका खुजाई हो रहा है। जिनका मृत्यु हो गई है आग में जल करके, उनका उम्र है 52 साल का। और सिपाही को पता है कि इस मकान में इलेक्ट्रिसिटी यानी नेट यानी स्ट्रोम बाहर के स्ट्रोम नहीं लगल है और खास सिलेंडर भी नहीं था। तो इस मकान में जो आग लगा है तो किसी आग लगाया है, और एक आदमी उसमें जल करके जिनका मौत हो गया है। एक आदमी भैया बड़ी फर्दुआल, हम बताए आपको एकदम फर्दुआल। ये गई से टिकट बुकिंग करने के लिए, टिकट SLM में। तो ये सब जब आप ये बुकिंग कर चुका तो इन्हें एक्स्ट्रा पैसा लगा है। एक्स्ट्रा पैसा कौन पैसा? यूरो। या लिखा है कि सूरीनाम सूर्य फार्मा से पे SLM बेहद बटालन इन यूरो फॉर हिन टिकट। यहाँ लिखा है कि 20% एक्स्ट्रा ऑन कॉस्टन मुझ बताल 20%। अब लोग पूछपाछ करने लगा तो बोले बैंक एक नया कानून निकाली है कि जो लोग टिकट बुक करेगा 20% एक्स्ट्रा आपको पैसा लगेगा। ये बैंक एक नया कानून आपके लिए तैयार किया है। वैसे आप जानते हैं कि सूरीनाम से बैंक क्लियंटन से DSRD अब ये ऑनफॉर्म करते हैं। अगर आप कोई ट्रांसैक्शन करेंगे रिपब्लिक बैंक वो 3 SRD रही करने खबरा फॉर कस अपनामा तो दर्जन। अगर आप गए तो कौन पैसा निकाले 1,000 तो आपका 1 10 रुपया RB यानी रिपब्लिक बैंक इतना पैसा निकाल लेते हैं। और सूरीनाम से बैंक 3 SRD। तो ये कुछ नई कानून बनाए हैं बैंक वालों ने, और आपका पैसा
ये लोग निकाल लेते हैं आपके रेक नहीं से। प्यारे प्यारे लोग, जनता, पैसा के मामला भैया, और आगे चल करके भी सुनेंगे। देखो, तीन डाकू, जब पुलिस ही शुक्रवार को तीन डाकू को गिरफ्तार की है, ज्वेलरी साथ शेई ज्वेलरी आंध है खनव्या पारामारी बो। ये तीनों डाकू, जब पता चला कि ये तीनों डाकू फ्लीरिंग में है, घर के फ्लीरिंग में, बस सिपाही को तार हुआ और सिपाही जा करके हेल खरवेख में ये तीनों डाकू को गिरफ्तार कर लिया है। देख लग रख यारख वे क्यू ये दरिय दरख यारख डी एस एंड देख लग यारख डी एर। ये सब कैस स्त्रात पुलिस ब्यूरो, वहां ये लोग जा करके इनको बंद किया गया है। इन लोग के पास फ्री रेंज में ब्रेक एजर्स, एन हामर, स्क्रूफ ड्रायर, बेटोन कटर एंड बेटल, ब्रिकन स्कार, फर्स्टलबार स्लेटल, द्री तासन आन खत्रोफन। ये तीनों गिरफ्तार हुआ है, ये फ्लीरिंग में यानी जा करके बैठा था आराम से, ये लोग चोरी करना चाह रहे थे शीश ज्वेलरी, ये है खेल खवैख में गिरफ्तार हो गए तीनों चोर, गिरफ्तार हो चुका है। प्यारे लोग, एक जबरदस्त आ रही रिंग हुआ, इसके बारे में आप सुन चुके हैं, वैखदार लंगा तबिकी, एक देश में लेकराख्त जो पारामारीबो को आ रहे थे, क्यों आप तो जानते हैं ये फकांसी के समय है और स्कूल सब बिन अवाम में बंद है, तो ये शहर को आ रहे थे, लेकिन न जाने कैसन का बात हुआ कि ये गाड़ी इतनी जोर से धक्का दूसरा गाड़ी में लगा और ये गाड़ी उलट गया। लेकराख्त ज्यादा घायल हुए हैं, एक ट्रेन एंड शोफेर रात खोबोच, ये सबको को लाया गया है। प्यारे हमारे सूरीनाम की जनता, यहाँ अखबार ने जिक्र की है, एक अंडर इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस गुजरे हुए शनिचर को एक दुकान और शख्स पर बेंडिंग बेसरख में बड़ी हंगामा मचाया है, बड़ी हंगामा मचाई है अंडर इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस दुकान में जा करके। पता चला कि दुकान में एक अंडर ब्रुक ने खरीदा है, शॉर्ट एंड क्वेश्चन इन द विंकल। बाद में ये घर घरे गया तो देखे कि ऑन द ब्रुक में होल है अनखट, और तकिया जो खरीदी से वो बड़ी मैला है, तो ये दोनों लौटारने के लिए गया चिनुआ से और इनसे भैल तक तकरार भैल तक। दुकानदार एक चीज खरीद दिखावत है, लेकिन उन्हें पता है कि ये ऑनर इंस्पेक्टर है, एक बर्थ वहां है दुकान में, और बोर्ड पर लिखा है कि बोर्ड पर वार ऑफ स्टार्ट दट खोक्त खुदरन नीट वर्दन इन खरल नीट वर्दन इन खरल। जब ये दोनों लेकर के आया, दोनों जाने एक ऑन द ब्रुक और एक तकिया, तो दुकानदार बोर्ड दिखावे दोनों में तकरार है, बहुत तकरार है भैया, वहां पर सिपाही को तार किया गया, सिपाही भी आयल है। बाद में ये ऑन इंस्पेक्टर दोनों चीज लेकर के और फिर वहां से रवाना हो गया है। पुलिस मान खाच ओम ऑनब्रुक तकेर, एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, एफ्रिक का पुलिसी जैसलफेटिक यारख मान फ्रेडा, शुक्रवार को एक जैसलफेटिक मान को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर लॉयड टोलक कहते हैं लोगों से कि खबर मिला है कि ये आदमी कई मरतबा अपने औरत पर हमला की है, मिसहैंडल की है और धमकी दी है कत्ल करने के लिए। ये दोनों में कुछ दिनों से रिलैक्सी प्रॉब्लम दोनों में है। ये आदमी बार बार औरत को धमकी देता है, मारता है या तमाचा मारते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन औरत थक जाने पर जाकर के नालिश की है, और जब नालिश की है तो समझ जाओ कि पुलिस बीच में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां सिपाही ये बात सुनत है वह तुरंत लोग को गिरफ्तार करने लगता है। तो प्यारे प्यारे लोग, आप तो समझ गए हैं कि ऐसा मामला में नालिश अगर होगा तो सिपाही कसूरवार को गिरफ्तार कर लेता है। बेचारी चल करके कहीं जा रही है, इनके पास एक तस है,
टस और एक डाकू ने चौथे 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 इनकी बगल में आकर के इनका टस छीन करके और भाग निकला है। इस टस में टेलीफोन, स्लेटर और बहुत से जरियात कागजात मौजूद थी और वो डाकू भाग गया है। अब सिपाही इस समस्या को आगे तो सुख करेगा। ए हमारे भैया लोग, ऐसे ऐसे करके बहुत से बात है। एक औरत के बारे में सुनियो, बड़ी चलाक औरत है भैया, ऐसे चलाक चलाक औरतें बहुत है देश में। ये औरत नालिश की सिपाही के पास जाकर के कि एक गाड़ी चलाती हुई गई है, एक दुकान के सामने खड़ी है, गाड़ी में से निकल करके दुकान को गई है। बहुत चलाक है। गाड़ी में से उतर करके दुकान में गई है, दुकान और गाड़ी ताला ना की है। जब लौट करके वो आती है तो देखे कि गाड़ी में से तास लापता। गाड़ी में से वो तास जिसमें पैसा 13,000 SRD, 8,000 American dollars, 550 euro एंड मंचस। गाड़ी में से लापता, बहुत चलाक औरत है भाई, इतना पैसा होते हुए जेंटल है, बड़ी जेंटल। हम गाड़ी ने बंद करा के हमारी गाड़ी में जाए। सरनाम में 3 quarts चोर है काकी, 3 quarts जनता चोर निकल गई से। खाली हम ही लोग बीच में जो हम क्वार्ट है ना, तो हम लोग तनी सोच विचार से काम करेला। 3 quarts अब के विश्वास तो करिए, काहे न समझो तो लोगन। कितना बार समझाओ जाता कि अपना परछाही को आप विश्वास न करो, तुम्हारा परछाही जो है। इतना पैसा लेकर के गो तो मैं घूम तो है और गाड़ी नहीं बंद करते हैं। प्यारे लोग, तीन को डाकू एक 35 साल का आदमी के ऊपर टूट पड़ा ऑन द क्रोमलिन स्ट्रैट। द्री क्रिमिनल, इनका मोबाइल टेलीफोन 300 SRD, 50 euro, 2 और बैलन एंड 2 क्वेंटन ये लूट करके और वहां से भाग निकला है। देखो ऐसा ऐसा तमाशा रोज है, लेकिन जैसे कि इंसान के एक कान में बतिया घुसत है और एक वाम से फुर से निकल जाता है। 28 साल का ST डीएन अख्तफिर मान बरूफ जब ओकरे ऊपर गोली चला है, शॉट फॉर बॉन्डिंग। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें उठा करके इस पुत ऐशुद्रुप को पहुंचाया गया है। अब जो क्रैश फान केवल भान सिंह और नीवीर खफोन रव्या। 48 साल का आदमी ये खबर करता है कि ST उन्हें लूट करके वहां से हार्स कैटिंग। द पुलिस इसलिए वो कोशिश किया, बंदूक से उस पर गोली भी चलाया है। इसलिए ये मुकदमा आगे उन्हें सुख करेगा। रो फरदाख्त तो जो चोरवा है उन पर गोली चला है। अब ये बात आगे अंधसुख होगा। फिर तो यार को फ्रो परमालीबू में उनका मोबाइल टेलीफोन उनके हाथ से छीन करके डाकू ने भाग गया है। ड्रम ब्रल स्क्राक के बात है, यानी कि अलवाल्डे स्ट्रैट जब वहां पहुंचा उनके पीछे से डाकू पकड़ी से। टेलीफोन छीन करके भगा ना, तो तरह तरह के चोर है देश में काका। अगर आप लोग इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में आप जरूर पछताएंगे। प्यारे लोग, मैं सबसे पहले एक मुबारकबाद शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले वो है W वाल्दो हसन खान साहब और उनकी बेगम सायरा शकुंतला मालीचंद। आप दोनों को मैं शुक्रिया करता हूं। भाई वाल्दो का एक प्रोग्राम भी चलते हैं न्यूजीलैंड में और वो है मी क्रांतन अमरुप और खनिशासी जनता की शान पहचान। ये एक रेडियो है और रेडियो पहचान है, उनके द्वारा इनका प्रोग्राम भी चलता है न्यूजीलैंड से। तो वाल्दो का पहचान के जरिए आप गाने वगैरह सुन सकते हैं, प्रोग्राम भी चलाते हैं। और आपको मैं शुक्रिया करता हूँ वाल्दो जी, जो आप
चिट्ठी तोहफा वगैरह भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है डब्ल्यू वाल्डो हसन खान और इनकी बेगम सहरा शकुंतला मणिचंद, आप दोनों को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो आप भेजे हुए हैं। अल्लाह हाफिज दोनों को। प्यारे प्यारे लोग, जनता, और मैं आगे चल करके क्या देख रहा हूं, देखिए आज अखबार में तो तरह तरह की बात है, लेकिन यहां पर और हम कुछ देख रहे हैं, अभी उसके बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर देख रहा हूं कि एक आदमी जिसका नाम है करम, एंथनी करम, इस देश की समस्या देख करके, इस समस्या देख करके स्टार्च शोल्ड के बारे में बात कर रहा है ये आदमी, और स्टार्च शोल्ड देख करके श्रीनाम के बखरोटिंग सुन करके ये आदमी मोनेटर इकोनोम एंथनी करम एक लीजिंग जो दिया है फ्री रखीफा इकोनोमिस्टन के प्रोग्राम में, तो वहां पर ये लोगों से कहा कि ये समस्या, देश के समस्या हल करने के लिए कुछ लोग को हिम्मत लेना पड़ेगा, हिम्मत और फैसला लेना पड़ेगा, फैसला लेकर के आप इस देश की समस्या बदल सकते हैं, वरना हम लोग देखते रहेंगे और हम लोग के हम लोग मुसीबत से बचेगा नहीं। तो देखो सरकार क्या करता है, बाकी लोग क्या करते हैं ना। ये स्त्री की बातचीत जो है, पॉलिटिक्स स्त्री मायशा न्यूज के बारे में, उनका यही विचार है कि असेंबली को जो काम करना चाहिए था वो काम स्त्री के मुखिया यानी मार्शा न्यूज की है। स्त्री दुछत वर्ग दीजन मुस्तन हैबन एट फोर जहबन वेल्ड प्रतेंसी मार्श क्यूट नीट नीट न्यूज। लेकिन श्रीमान संतोषी के कहना कि वो सब प्रोक्टर जनरल को चिट्ठी भेज चुका था इसके सिलसिले में, इसके बारे में, स्टार्च शोल्ड के बारे में, लेकिन न्यूज की कहना है कि वो फोड़ फोड़ करके सब चीज देख करके और जाकर के नालिश की है प्रोक्टर जनरल के पास, तो असेंबली के काम न्यूज की लेकिन असेंबली लोग नहीं की है वगैरह वगैरह। अब देखो पॉलिटिक में इसे होता ही भैया, जो आज हिंचातानी करते हैं एक समय दोनों एक ही प्लेटी में या एक ही परते में या एक ही कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं, तो ये सब बात हम लोग को पता है। हमारे प्यारे प्यारे लोग, हमारी जनता, मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करने के लिए मैं जा रहा हूं भाई बहनों, और वो है रिश्तेदार फारूक इलाही बख्श और दीशा इलाही बख्श अली हुसैन इनके बच्चों नीजलान से, फारूक इलाही बख्श और निशा इलाही बख्श अली हुसैन लड़के, अभी एक हफ्ता होते हैं इनका पकड़ मुझे मिला, जिसमें अच्छे अच्छे किताबें वगैरह और ये खास करके एक खास तोहफा के रूप में तो मुझे उन्हें मुबारकबाद दिए हैं। लेकिन आज मैं देख रहा स्टूडियो में एक ब्लूमस्टिक रेकर, एक तोहफा रिश्तेदार फारूक इलाही बख्श और निशा इलाही बख्श अली हुसैन इनके बच्चे नई जवान से भेजे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक और निशा, आप दोनों बहुत याद करते हैं कि मेरा जन्मदिन कब है, मेरा सालगिरह कब है और ये वगैरह वगैरह, कभी कभी हम तो भूल जाते हैं अपने बारे में, आप लोग याद दिलाया करते हैं। फारूक निशा और लड़के बहुत बहुत शुक्रिया, हॉलैंड से आप लोग के ब्लूमस्टिक और तोहफा मुझे यहाँ पहुंच गया, अभी भी मैंने देख रहा हूँ आप लोग भेज दिए स्टूडियो में, तो बड़ी बहुत शुक्रिया है फारूक निशा इनके लड़के नई जवान से, फारूक इलाही बख्श, निशा इलाही बख्श अली हुसैन और लड़के, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपसे भी कह चुके हैं कि आज भैया हमारा दोस्त रॉबी गजराज कुछ तोहफा भी भेज दिया है घर पर, बहुत अच्छा है रॉबी, रॉब और शोभा दोनों को मैं शुक्रिया किया है। एक बधाई देने के लिए मैं जा रहा हूं जो स्कूल में पास हुई है, रेनुष्का घिसाई दुबे बारहू, रेनुष्का घिसाई दुबे बारहू 14 अगस्त को आंतन डॉकॉम यूनिवर्सिटी में पास जो हुई है अखरारी से प्रोजेक्शी बैचलर ऑफ साइंस इन आखरी कल्चर, ये है अखरारी से प्रोजेक्शी, ये पास हुई है आंतन डॉकॉम यूनिवर्सिटी सूरीनाम फैकल्टी दर टेक्नोलॉजिकल वेतनस्थापन स्टडी रिक्टिंग अखरारी से प्रोजेक्शी, तो पास हुई है रेनुष्का घिसाई दुबे बारहू। इनका माई बाप के नाम है सुरेश बारहू
और सुषमा बारहू मंगरे अपने बेटिया रितेश और रिनेश बहिन के बधाई दिया है। विकास घिसै दुबे पत्नी आजा छोटू बारहू आजी छोटू बारहू पोतिन को बहुत से बहुत बधाई। रेडुष्का घिसै दुबे बारहू अब के कागज इनके पास डिप्लोमा बहुत से बहुत बधाई हो। ए भैया श्री नाम के हर एक जनता क्या बताई तो है बहुत बहुत देखो एक औरत श्री नाम से फ्रो आंखो हो कौन सी हो गए हम ना समझ पाईला ये औरत के पास ये अपने बीहा में लुकवा करके और गयाना को गई। अरे वहां गिरफ्तार हो गई वहां के दीवान वही सब चीजों को देखत है और इनको देख लिया बस इनको ले जा करके बंद की है भाई। एक श्री नाम से फ्रो है गयाना में बंद है। द्री ऑटो ब्रेकर्स आंखो हो जन मार्टिन लूथर किंग वेक की बात है। एगो सुपर मार्केट के सामने गाड़ी पार्क कर रहा समझे ना वो मन ट्वीन ट्वेंटक डजन एस आर डी पैसा ये सब चोरी कर लिया है। फरदाख्तन लेनी एल मेरल का और लप हुर्रो भी इन तीन लोग गिरफ्तार हुआ है समझे ने काका। ये तीनों गाड़ी उखाड़ करके तोड़ करके 11 अगस्त को ये सामान चोरी की है। अब ये तीनों गिरफ्तार हुआ है। फ्रेम दलिंगन दिन सुनिए क्या क्या है एनन सेस्टक फ्रेम दलिंगन सिरनाम से और उन लोग का मुल्क को भेज दिया है यानी फ्रीम डेलिंगन एट सुरीनाम जो देश में बगैर कागज पत्र से रहता था। अच्छा तुम 17 ब्राजीलियन 8 चीनीज़न 2 वियतनामीज़न 2 इंडोनेशियस 4 गुयानेज़न 23 हाइटियन 5 मलेशियस ये कौन कौन मुल्क के जनता यहां घुस आए सन नाम में भाई देख तमाशा तो काकी है। तो ये सब चीज हम लोग सुनीला देखीला और ये तीन इस सब के इस देश से निकाल करके बाहर कर दिया गया है। हमारे भाई बहनों ये बात भी आप सुन चुके हैं कि एक द्रियन दैतक यारख एम ई एक बच्ची रात्रि को तीन ऑफिसर रात्रि को ये गई है अपने बाप के बेल्ट फ्रो के घर। सुनिए बात काका तू तमाशा सुनिए द्रिया दरक यार है एम ए ये सुख द्री ऑफिसर्स को अपने बप्पा के फ्रीडियन के घर घुसा और जो घुसल वहां उनकी कंतोर की बात है भय झगड़ा बप्पा भय झगड़ा। ये बच्ची गैल बोले देख नचनिया तू जो हमारे बाप के न छोड़िए तो क्या हम काट के फेंक दे भाई दुनो में झगड़ा। द ट्वे फ्रोन रैक्ट इन एन बोर्ड विस्लिंग द एट मोंड इन एन फैस्ट पार्टे पटकन हिया हम बताइला धम धम बाप रे बाप। और ये मार पीछे टेजस दैट फैक्ट Feel the oorbellen and een prik van de aangeefster uit haar uniformzaak. Samdena. Pjari, pjari lo. Je bhail, maar kweetje bhail, okar je tutega, ho tuta. Bas M.A. ja karke nalis ki hai. M.A. op zondag 12 augustus. Die ME aangifte, zo niet, dus rabat. ME ke ooper, ME ke ooper, pehle nalis kari se, wo bachi jo maar khai se. Lekin ME, je ghare gai se,
तो बप्पा उनको लौटा लाश अब बाप और बिटिया में भय रहा है। पहले बिटिया और बेट फ्रॉ में भय तमाचा और फिर घर जब लड़की आई से तो घर पर बाप और बिटिया में भय। तो बिटिया भी जा करके बाप के ऊपर भी नालिश की है। सुनिए तमाशा, लेकिन गिरफ्तार के हुए। अब सोमदक्त वाल ऑफिसर्स दे एम ए आफ्ट फ्रॉम इज हैंडलिंग तीखार क्रेचक यार को फादर। सिपाही बिटिया और बाप दोनों को पकड़ के बंद करी से, क्योंकि बिटिया बेट फ्रो के मारी से और बाप बिटिया के मारी से। बड़ी तमाशा भैया। अब देखो का फादर एंड डॉक्टर ऑफ स्लोटन फॉर मिस हैंडलिंग वगैरह वगैरह। आगे चल करके देखो क्या क्या हो रहा है। प्यारे लोग जनता, मिनिस्टर सुरजान इस प्लोचलिंग नीट में सिख बात इन फैल। ये बात जितेंद्र कल्लू जो असेंबली लेट है वो ये बात सामने रखा है। बोले ये आखिरी हफ्ता जब धान कटने लगा निकेरी में और जब वहां जनता को जरूरी है कि रास्ता चाहिए अच्छा रहे के ये सब सामान ठीक रहे, तो मिनिस्टर डॉक है जितेंद्र कल्लू। अब देखो ये सच है कि कैसे मिनिस्टर लोग के काम ही रहे ना, तो इसलिए जितेंद्र कहते हैं जितेंद्र कल्लू कि मिनिस्टर इज प्लोचलिंग नीट में से एक बार। शायद कोई जरूरी काम से कहीं बाहर होगा, लेकिन मिनिस्टर लोग बहुत काम करता है तो सही बात है। प्यारे लोग जनता, हमारे प्यारे देश के तमाम लोग, मेडिसिन स्टूडेंटन होदर गजोंथेट्स प्रमोशी दाग श्रीराम में हर एक को चाहिए कम से कम रोजाना अपना ब्लड ड्रिप चेक करवाने के लिए। ब्लड ड्रिप चेक करवाते रहो, ये आपके फायदा के लिए हम कहते हैं। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आप एक रोज बड़ी मुसीबत पड़ सकते हैं। हर एक से चाहिए, हर एक को चाहिए कम से कम अपना ब्लड ड्रिप जो है उन्हें चेक करवाते रहो, वरना एक दिन आपको बहुत से पछताना पड़ेगा। विश्व हौदर्श लोग को जो मिलता था ब्रांच स्टॉप कॉम्पेंसासी वो कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। भाई बहनों, मिनिस्टेरी फॉर ओपनबार वर्कन और खनिशासी पेयालू से बातचीत किया है जॉन महादेव सिंह से कि भैया जॉन महादेव सिंह 1.4 मिलियन पैसा इसका फरक्लारिंग इसका हिसाब किताब आप अभी तक नहीं दिए हैं। पेयालू को चाहिए ओपनबार मिनिस्टेरी को 1.4 मिलियन एसएडी का हिसाब किताब देने के लिए। ना कंट्रोल दो है मिनिस्ट्री फॉर ओपनबार वर्कन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ब्लेक दैट एयर ऑन द बस होल्डर्स फेल मेंडर इस एड बताओ दन एयर जैसे की बातचीत हुआ हमेशा। प्यारे लोग, het niet kunnen verklaren hiervan heeft ervoor gezorgd dat de bushouders hun rechtmatige subsidie niet moeten ontberen. Je barbaar ministerie pushta hai 1.4 miljoen paisa kaha bharane, kab bharane, keke bharane. Je is wachten
जो ब्रांच ऑफ कॉम्पेंसासी अब सरकार को देना चाहिए था वो रोक दिया है, क्योंकि तुम्हें हिसाब किताब एक पेन फिर मिल इनके दे चाहिए। ये गड़बड़ बात है भैया, लेकिन कम से कम उपभार वर्ग अगोर रहा है आमतौर के लिए। प्यारे प्यारे लोग, स्कोल फॉर फूडर्स हैवन नॉट द नोट क्रेट ऑफ 8 अगस्त 18 पास न 6 बर्गदाखन ये सबको स्कूल फॉर फूडर्स को पैसा दिया गया है। ओबीएस के बाद हम करने जा रहा हूं, राजेश ओरिस सेक्रेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बस एंड बोट होल्डर्स इन सूरीनाम, इन लोगों को पैसा दे चुका है सरकार। स्कूल फॉर फूडर्स एक बताओ, प्यारे प्यारे लोग, लिफोनो का पुलिसी को खबर मिला है कि फन बास्त्रात में कटौवल भैर कटौवल पता चला कि एक आदमी के नाम है माइकल ये, उन्हें गटई के आसपास जहां है वहां किसी ने कटली से काटे हुए हैं, और ये बातचीत अब नहीं कर पा रहा है, ज्यादा घायल है इसीलिए। और जो आदमी कटली से काटी से उसका नाम रूपी, रूपी और इनसे भय झगड़ा और उनकी गटई पर छुरी चलाया या कटली चलाया है, अनहोवर द फरदाक्त पाक्तन होवर और उनकी गटई पर चलाया है। उसके बाद में वो भाग गया वो कटली चला करके। लेकिन अभी तक रूपी गिरफ्तार नहीं हो सका है, सिपाही उनका पीछा कर रहा है। का करियो भैया, ये सब खेल तमाशा नहीं है, ये हकीकत बात है। श्री बौद्ध का उपरासी हो चुका है कुबा में, इसका उपरासी हुआ है जो कहते हैं सक्सेसफुल फॉर रोपन इन कुबा, समझे ना, और कुछ दिन तक वहां पर रेस्ट करेगा और फिर आगे चल करके वहां के डॉक्टर के हुक्म से वो सूरीनाम को वापस आएगा। तो देसी बाउटर से उनका ओपरासी हो चुका है। अंतनार लोग को सब लोग की तनख्वा बढ़ चुका है, अंतनार लोग को तनख्वा बढ़ गया है, वो तो आप जानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि उन लोग को 500 कोप करा फर्स्टर्किंग, वो लोग को तनखा में चला गया है लोन में सलारस में, सब अमतनार के फरहोक ही मिला है। लोग कहते सरकार कहते मैं टीवी का, अब टीवी का शायद जनवरी से पता नहीं कब से, लेकिन सब के तनखा अब बढ़ा दिया गया है। पार्टिकुलर की तरफ से खबर मिला कि पार्टिकुलर लोग को तनख्वाह कब इससे पहले उन लोग को तनख्वाह बढ़ल है, लेकिन आप जानते हैं मिनिस्टर फॉर आर्बेट तनख्वाह के बारे में कि ईयर लोन जो है 800 फील कहीं 1100 फील के बाद का क्या है, उतना पैसा लोग को मिला कि ना मिला, लेकिन अब अमतना लोग के लिए वादा है। अब इस वक्त पैसा स्टॉर्ट ना भेल, मतलब यह कि इतना छो और अखेरे में बातचीत हुआ है कि 111% इन लोगों को तनख्वाह बढ़ेगा, 111% जो लोग 800 रुपया कमा रहे थे 800 फेल, अब वो लोग को कहीं 1400 या 1500 रुपया मिलेगा, मतलब कि डबल जिसे लोग कहते हैं। लेकिन प्यारे प्यारे लोग, यह सब बात तो ठीक बात है, लेकिन अभी तक पेंशनियर्दन के लिए कोई बातचीत नहीं हुआ है, पेंशनियर्दन के लिए कोई बातचीत अभी तक नहीं हुआ है, वो भी ऑन द हैंडल होना चाहिए।
कि जितना लोन अमतनार को बढ़ेगा ऋषि द्वारा, तो कहीं जाकर के पेंशनर्जन को पैसा बढ़ेगा। लेकिन अब भी इतना दूर तक बात ना है। हमारे भैया लोग, एक 22 साल का स्टाशियर के मेरी व्याह में उनका तस दो त्रे क्रिमिनेलन उनका तस छीन करके और भाग गए हैं। बिचारी के पैसा वही में था वगैरह वगैरह और चाबी वगैरह। तो जनता तनी होशियार से तनी काम करो, है तनी होशियार से काम करो और चीज दाम पर लेकर के अकेले ही मत घूमो, क्योंकि चोर चारों अलंग से पहुंच जाता है। चोर जैसे बरैया, जैसे ब्रसलियान बरैया काकी, इतना बात याद रखिए, इतना चोर है दिसवा में, चारों अलंग से पहुंच जाते हैं, चारों अलंग से भर भरा करके चोर पहुंच जाता है। चट्टनी फुर्सेक तक रही हो हमारे देश के हर एक जनता, इस वक्त फकांसी के समय है। अब फकांसी के समय कितने बच्चों परदेश चला गया घूमने के लिए, कितनी बिनलांग जाते हैं, कितनी और दूर दूर जाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक लिस्ट के बारे में जिक्र किए हैं, जो पारा में है, जहां पर ओर्डन है, फकांसी ओर्डन जो सरकार खुद तोड़ की है, और हो भी सकता है कि वहां पर भी अच्छा से बॉडी गार्ड्स वगैरह है जहां पर आप जा सकते। लेकिन अगर आप पौड़ना नहीं जानते हैं तो आप पानी में मत उतरिए। देखिए, ये तो हर एक इंसान को पता न का कि जब तू गाना न गावे है जाने, तो लोग से न कहे कि तू गवैया है। तू गाना जब शुरू करेंगे तो सब कोई कहेंगे, देख ना कितनी फाल्स गावत है, कितनी फाल्स गावत है मौसी। तो जब तू न गवैया है तो न कोशिश कर गावे के। जब तू न जाने नाचे तो न जाए के बीच बीच में खड़ा हो जा कि बाजा बजे क्रीडिंग क्रीडिंग क्रीडिंग, तो खल तो दहिया ही ले या गुरवा ही ले, बक तू नाचे न जाने। जब तू न जाने सब चीज तो न कर, जब तू न जाने पौड़े तन का करे पनिया उतर ले, स्वयं प्यास लगा करके तनी फचर 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 कर ले। लेकिन तू पौड़े नहीं जानते तो पौड़े कोशिश मत करना, और दारू पी करके स्टीर के पीछे मत बैठना, और दारू पी करके पानी में उतरना वो भी गलत बात है। समझे कहा का बताए आप लोग से। तो भैया लोग, फकांसी के समय है, हर एक लड़का या लड़की, हर एक स्टूडेंट जो पास हुआ स्कूल में, उन सब बच्चों को, उनके मां बाप को हम लोग यहां से मुबारकबाद देते हैं। Alle kinderen die zijn geslaagd en overgegaan naar andere, de volgende klas, aap loko mubarak baat hum log de rahe hain. Jo ladkan pas nahi hue hain, aap loko hum log understand karega, taaki aap log phir se koshish karo aur wahi class mein baith karke aur agle saal us diploma ko hasil karo. Aur jo ladka aur ladki mein kahin प्यार चक्कर के बाद चल रहा था, बाप और माँ अब आप लोग के शादी करने वाले हैं, तो आप लोग को शादी मुबारक हो। हर एक लड़का लड़कियों को चाहिए खूब ध्यान से सुनने के लिए कि शादी कोई खेलवाड़ वाला चीज ना है। शादी विवाह वहां पर जइयो, एक महीना दो महीना खूब खाते पीते, फिर शुरू होता झगड़ा। आप लोग तनी फुर्सत तक से रहियो बेटा बेटियां, क्योंकि झगड़ा करना ठीक चीज नहीं रहेगा। फिर चलो त्रु त्रुवावे अथोकात के पास चलो, है तो ये तो वो तो, अब हमारा नतनी भी अथोकात बेचारी होलान में रही समझे, बाकी यहां के अथोकात लोग पैसा कमाएंगे, समझे ना। मार बात जो कहने के लिए मैं जा रहा हूं, कौन जरूरी है कि आज तुम्हारा शादी भेज दो छह महीना में, देखो मार महाभारत के मार, खूसा के मार, पटकनिया के मार। तो ये सब चीज पर ध्यान करियो, हर एक चीज बड़ी विचार से धीरे 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 धीरे। अगर ये समस्या और दिन हो जाएगा तो आप अपने आप को समझने लगेंगे कि शादी के बाद कैसे जीना चाहिए।
अपने बाप और मां का सर नीचा न करियो लड़कन, अपने बाप और मां का सर नीचा मत करना। बड़ी मेहनत से तुम्हें पोसोस करके बड़ा किए हैं, पढ़ाया लिखाया, अब शादी कर भी दिया तो हफ्ते तीन महीना में मार पीट करके घरे आवत हो, कौन से बहादुर करके लोग। तो ये सब बात कोई ध्यान से देखियो कि कोई ऐसा चीज मत करना कि घर में झगड़ा होने लगे, क्योंकि मां बाप बड़ी समझदार से तुम्हारा विवाह किया, बहुत समझ से तुम्हें किसके परिवार के घर किया, वहां पर जाकर के कोशिश करो इज्जत से जिंदगी बसर करने के लिए। और ढेर दिन तक तुम्हें सहने के पड़ी, सहते सहते एक दिन तो घर के महारानी भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें सहना चाहिए, समझे ना। ये बात कह करके मैं आप लोग से इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया।